व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपांतर और उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। अर्थात जिसमें हमें ये पता चलता है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसे किस प्रकार से बदला जाता है। शब्द, अब हम सबसे पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे ज प्लस ल जल, क प्लस ल प्लस म कलम। अर्थात दो वर्णों का मेल भी हो गया यहाँ पर और इनका एक अर्थ भी निकलता है। जल का अर्थ है पानी और कलम का अर्थ है लेखनी। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेदों के बारे में। शब्द के चार भेद होते हैं, अर्थात शब्दों को चार आधारों पर बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज शब्द। अब हम पढ़ेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द संस्कृत के जिन शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है वैसे ही वह शब्द हिंदी में भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मयूर, सूर्य, मित्र आदि। अब है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदल कर होता है, अर्थात कि संस्कृत के शब्दों का सरल रूप बनाकर जब हम उन्हें हिंदी में प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी इनका मूल शब्द क्या होता है, संस्कृत ही, लेकिन उनका सरल रूप बनाकर हम उन्हें हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। जैसे दुग्ध संस्कृत का शब्द है और इससे शब्द क्या बनेगा, अब दूध। ऐसे ही रात्रि से रात, सूर्य से सूरज आदि। अब कुछ तत्सम और तद्भव। आम्र आम, अम्बा अम्मा, उष्ट्र ऊंट, किरण किरण, कृष्ण किशन, चटका चिड़िया, तृण तिनका, दीपक दीवा दिया, नासिका नाक, पत्र पत्ता, मनुष्य मानुष, मुख मुह, लोक लोग, वर्षा बरखा, श्वसुर ससुर। बच्चों आज हमने तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे विदेशी और देशज शब्दों के बारे में। तो अब आप इन तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित प्रश्न उत्तर को हल करके देखिए।